शेयर कैसे चुने, कैसे खरीदा जाए स्टॉक मार्केट में शेयर, कौन सा शेयर है बढ़िया, किसको करना चाहिए अवॉइड, कहां लगाएं पैसे और किससे दूर बचें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो भारत की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे अब BSE कहा जाता है, उस NSE पे ही 1600 शेयर्स लिस्टेड हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए सब 1600 शेयर्स की जानकारी रखना, रिसर्च करना, उनके नतीजों पे ध्यान रखना, हर 3 मास बाद जो वो नई जानकारी देते हैं उनको खंगालना, उसमें से फैक्ट्स निकालना, कहाँ पैसा लगाएं, कहाँ नहीं लगाएं, कैश में लें कि फ्यूचर्स में लें, ये सब बहुत बड़े सवाल हैं। और हर किसी के मन में जाहिर सी बात है कि अपना पैसा बचाने के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और एक्सपर्ट बनने की भी मन में एक लालसा होती है, और वो जानकारी केवल आपकी बैंक बैलेंस या जेब में एक अच्छी आपको सुनहरी फीलिंग नहीं देता, वो जानकारी आपसे एक कॉन्फिडेंस भी देता है कि मुझे पता है मैंने क्या करना चाहिए। अब देखिए, ज़मीन खरीदना, सोना खरीदना, गाड़ी खरीदना, मोबाइल फ़ोन खरीदना शेयर खरीदने से काफ़ी आसान है। हाँ, ये ज़रूर है कि शेयर बाज़ार में पैसा आप बहुत कम मात्रा में लगा सकते हैं। शायद आप लोगों को ये जानकारी होगी, बट मैं इस बात को फिर से आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक ढंग की गाड़ी 8-10 लाख रुपए की, 2 बेडरूम फ्लैट आज किसी भी शहर में देख लीजिए 60-70-80 लाख रुपए से, लोकेशन की बेसिस पे, उससे कम में नहीं मिलेगा अगर ढंग की जगह हो। सरकार खुद जब ऑक्शन करती है, और पिछले समय में तो अब वो भी बहुत कम हो गया है, DDA मान लीजिए या नोएडा या बाकी जो अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके दाम भी कैसे होते हैं 2 बेडरूम 3 बेडरूम HIG MIG के लिए। फिर आती है सोने की बात, सोना भी काफ़ी महंगा है, और सोना कई प्रकार से इलिक्विड है। खरीद लिया, बैंक में रखा, लॉकर में रखा, घर में अलमारी में, कभी कभी त्यौहार पे, शादी ब्याह पे आपने उसको पहन लिया। तो ये सब जब चीज़ें आप खरीदते हैं तो इसमें पैसा बहुत बड़े वॉल्यूम में लगता है। तो सबसे पहली बात, कई लोगों को ये लग रहा है कि शेयर बाज़ार आसान है क्योंकि इसमें पैसा जो है उसका अमाउंट कम लगाना है, और घर बैठे मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे आप 2×4 करके कहीं ना कहीं पे पैसा लगा सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जितने ध्यान से आप गाड़ियों के मॉडल का चयन करते हैं, डिस्काउंट ढूंढते हैं, कलर पसंद करते हैं, परिवार में बात करते हैं, पूरा ठोक पीटते हैं गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके, उतने ही ध्यान से आपको शेयर खरीदना चाहिए। घर में, मकान में वास्तु ढूंढा जाता है, अपने बजट पहले फिट है कि नहीं, फिर वास्तु देखा जाता है, फिर ये देखा जाता है कि उसमें आपको हर प्रकार की सुविधाएं हैं कि नहीं है, मंथली उसके लिए आपको कितना मेंटेनेंस देना है वो भी है, EMI कितनी पड़ेगी ये भी। जब आप इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान देते हैं तो शेयर हालांकि खरीदना आसान है, एक प्रकार से आप 1000 रुपये में भी शेयर खरीद सकते हैं, 5000 भी लगा सकते हैं, 5 लाख 50 लाख 5 करोड़ भी लगा सकते हैं। तो इन बातों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। 3-4 बातें आप इसको मंत्र समझ लीजिए, एडवाइस समझ लीजिए, कोई बात नहीं, बट ये जरूर समझिए कि मैं किसी एक शेयर के लिए रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। रिकमेंडेशन का काम SEBI द्वारा रजिस्टर्ड जो लोग होते हैं उनका होता है। मैं आपके साथ केवल जानकारी साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, उसकी कमाई कितनी है, उसका मुनाफा कितना है, और पिछले कई साल कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिसे बैलेंस शीट एनालिसिस कहते हैं, ये की जा सकती है। अब हर व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है क्योंकि इसकी जो तकनीकी नॉलेज है वो आपको, या तो आपने उस टाइप की कॉमर्स की पढ़ाई की हो तब आती है, या अनुभव और समय के साथ आती है। इसके लिए कई लोग हैं जो अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट्स देते हैं, हमारा मीडिया है और ब्रोकर्स हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स आते हैं, तो उनको पढ़िए, उस कंपनी की बिजनेस को समझने का प्रयास करिए बैलेंस शीट के साथ।
बिजनेस से मेरा इशारा किया, और ये दूसरा मुद्दा जो मैं उठा रहा हूँ कि वो किस क्षेत्र में काम कर रही है। फर्ज करिए लॉकडाउन लगा है तो मॉल बंद हो गए पर ऑनलाइन बिक्री सामान की चलती रही, और अगर कोई मॉल वाली कंपनी है तो ये स्वाभाविक है कि उस मॉल वाली कंपनी की कमाई उस समय पे कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ऑनलाइन की बिक्री चलती रहेगी। तो ये बिजनेस और जो इमीडिएट डेवलपमेंट्स होती हैं और जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जैसे बहुत सालों से ये माना जाता रहा है कि रियल एस्टेट में मुनाफा है, ज़मीन के दाम अपने देश में बढ़ते चलते जाएंगे क्योंकि आबादी बड़ी है, ज़मीन कम है, और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास शहरी क्षेत्रों में लगातार चल रहा है, पर उसमें भी हमने देखा है उतार चढ़ाव है, और बिल्डर जो आए हैं, कई बिल्डर जिन्होंने गलत काम किए, जिन्होंने सही समय पे फ्लैट नहीं डिलीवर किए, तो हज़ारों की संख्या में लोग बुरी तरह इसमें से फंसे। तो ये बिजनेस की एनालिसिस थी। तीसरी जो बड़ी बात ध्यान में रखनी चाहिए, और ये थोड़ी सी हायर लेवल बात है, कि आप एक क्षेत्र में, यानी एक सेक्टर है, हमने रियल एस्टेट की एग्जाम्पल दी तो उसमें कई कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं। अब अगर हम एविएशन सेक्टर ले लें तो उसमें भी कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं, तेल कंपनियां जो हैं वो भी कई लिस्टेड हैं, एक से ज़्यादा हर क्षेत्र में कंपनी लगभग लगभग लिस्टेड है, मोनोपोली शायद ही किसी के पास है, टेलीकॉम अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं, दवाई कंपनियां जिनका कारोबार पैंडेमिक के बाद काफ़ी बड़ा, तो उनकी आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तुलना करें ए कंपनी ए वर्सेस कंपनी बी, कंपनी सी कितना उसका टोटल इनकम, कितना उसमें से नेट प्रॉफिट, कितने साल से लगातार स्टेबल चल रही है, किसका प्रोडक्ट पॉपुलर है, किसका प्रोडक्ट पॉपुलर नहीं है, किसके अगेंस्ट शिकायत है, किसकी सेल बिक रही है। अगर आप गाड़ी की कंपनी जो है उसकी अगर आप वैल्यूएशन देखना चाहें तो मैं आपसे एक फैक्ट साझा करना चाहूँगा, शायद सब लोग इसमें अग्री हो या ना हो, जिस गाड़ी का रीसेल वैल्यू ज़्यादा है 5 साल बाद 7 साल बाद, तो उस गाड़ी को बनाने वाली कंपनी के शेयर्स में भी लॉन्ग टर्म वैल्यू है अगर बाकी फैक्टर्स सेम रहें। तो अगेन ये मैं आपको एक साधारण प्रकार से ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आखिर में कई क्षेत्र ऐसे हैं बिजनेस के जिसमें सरकारी नियम और कानून और उनमें फेरबदल के कारण काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके लिए खबरों को, बिजनेस की खबरों को, शेयर बाजार से जुड़ी हुई खबरों को ध्यान से देखना चाहिए। मैंने ये आपको जो चीज़ें बताई हैं ये केवल इन 3-4-5 चीज़ों से आप शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बन जाएंगे ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा प्रयास खुद से रिसर्च करने का, सीखने का, और आखिर में थोड़ा बहुत जोखिम है। अगर आप कमाना चाहते हैं और FD से ज़्यादा कमाना चाहते हैं, PPF से ज़्यादा कमाना चाहते हैं, देखिए मैंने आपसे एक वो वर्ड यूज़ किया लालच का, तो कुछ लोग इसको अन्यथा ले रहे होंगे, पर वो लालच शब्द में इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि अगर आप 5%, 6%, 7%, 8% से सेटिस्फाइड नहीं हैं, 10%, 15%, 20%, 25% रिटर्न चाह रहे हैं अपने पैसे पे, तो आपको थोड़ा जोखिम और रिस्क लेना पड़ेगा। और आखिर में आप में से कई लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में भी अपना हाथ डाला होगा। आपको मैं एक डिफरेंस, और ये फिर कभी बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी और शेयर बाजार में सबसे बड़ी फर्क क्या है। शेयर बाजार में नो योर कस्टमर का नियम बड़ा स्ट्रांग है, जैसे बैंक अकाउंट खोलने के लिए 4 दस्तावेज पूछते हैं, आधार भी मांगा जाता है। आज क्रिप्टो करेंसी में जो निवेश कर रहे हैं उनसे कोई खास KYC नहीं हो रहा है, और कोई सरकारी KYC तो है ही नहीं क्योंकि कानून भी नहीं है इस इन्वेस्टमेंट को लेके। तो कई लोगों ने, और मुझे लोगों ने बोला, हमने 20,000 रुपये लगाए हैं, युवाओं ने लगाए हैं, और हमें कुछ महीने बाद 20 के 40 हो गए और हमने पैसा बेच के निकाल लिया। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि इनमें वॉलिटिलिटी बहुत होती है, रोज उसके वैल्यू में बहुत फेरबदल होती है। इसलिए ये क्रिप्टो करेंसी की एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताई कि वो आप कंपेयर कर सके। बहरहाल अगर आप पैसा लगा रहे हैं शेयर बाजार में, तो मैं आखिर में एक ही बात करना चाहूँगा, लालच बुरी बला है, लंबे समय के लिए पेशेंस के साथ, रिसर्च के साथ निवेश करें और अपने पैसे में वृद्धि लाएं।